हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैप क्लिनिक कोलकाता। आज हम लोग I-10 के PPF करने वाले हैं। I-10 में हम लोग PPF कर रहे हैं। ये सेम PPF है जो हम लोग हुंडई वेन्यू में किया था। 3 इयर्स वारंटी पीरियड, TPH क्वालिटी, सेम PPF है। तो अभी इसका पहले हम लोग पेन करेक्शन करेंगे जैसे हर गाड़ी का करते हैं, और उसके बाद PPF का एप्लीकेशन होगा। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ वीडियोज़ डाल दूँगा। आप लोगों को प्रोसेस तो ऑलरेडी पता है, वेन्यू में ऑलरेडी A to Z बताया हुआ है। इसमें भी हम लोग लास्ट में स्क्रैच रेसिस्टेंट टेस्ट और सेल्फ हीलिंग टेस्ट और हाइड्रोफोबिक टेस्ट करेंगे, तो वो मैं ज़रूर डाल दूँगा। आप लोग फिर से देख सकते हो अगर आप लोग ने वेन्यू वाला नहीं देखा है। तो शुरू करते हैं गाइस, एंड बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट वी कैन ग्रो, इट विल इंकरेज अस टू ग्रो मोर। सो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो हम लोग आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ बना सकें। सो गाइज, अपना बोनट भी ख़त्म हो चुका है, अभी जस्ट हुआ है, इसका फिनिशिंग चल रहा है, इसको सील करेंगे अब। सो बोथ द साइड्स हैव बीन कंप्लीटेड। ये जो आगे के फेंडर्स है वो बाकी है अभी, एंड दो बम्पर्स और जो हेडलाइट टेल लाइट्स और साइड मिरर्स होते हैं वो बाकी, बस वही बचा है। अपना बूट भी हो चुका है, देख सकते हो बस कुछ पार्ट्स बाकी हैं जो अब हम लोग दो फेंडर मारेंगे, जो फ्रंट के जो दोनों फेंडर्स हैं उसको रेडी करेंगे। सो गाइस, I-10 नियोस इसका PPF कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये जो बैक बम्पर की आप फिनिशिंग देख रहे हो ये चल रहा है, बाकी सब पार्ट हम लोग कर चुके हैं। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। अब इसमें इंटीरियर्स का भी जो क्लीनिंग एंड ऑल वैक्यूम होने का था वो सब हो चुका है। अभी हम लोग वंस दिस कार इज कंप्लीटेड इसको अच्छे से IPA वॉश करेंगे, IPA से इसको पोंछेंगे, और उसके बाद इसमें हम लोग हाइब्रिड सेरेमिक कर देंगे ऑन टॉप ऑफ द PPF, सो दैट जो ये PPF है ये और हाइड्रोफोबिक हो जाए और इसका थोड़ा और लॉस इंक्रीज हो जाएगा। सो और कुछ देर बाकी है और ये गाड़ी आज कंप्लीट करके आज ही हम लोग डिलीवरी करने वाले हैं। स्क्रैच टेस्ट करते हैं कि देख सकते हैं लाइट स्क्रैचेस आया है, हीट अप्लाई करते हैं अब। सब स्क्रैचेस चले गए हैं। सो गाइज, I-10 नियोस का PPF फुल कंप्लीट हो चुका है। ये I-10 के ओनर है मिस्टर अभिषेक, ये डिलीवरी लेने आए हैं।
तो अभिषेक कैसा लग रहा है गाड़ी देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाउ इज द ग्लॉस? मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना ग्लॉस आ जाएगा। ओके चलो, तो अभिषेक को अब हम लोग एक काम करते हैं। अभिषेक सबसे पहले जो चीज़ है हम लोग तुमको दिखाते हैं हाइड्रोफोबिक टेस्ट। ठीक है, मेरा पानी अभिषेक क्या बोलते हो? देखो कुछ बबल्स रह गए हैं सिर्फ, जो बबल्स ही रह जाएंगे व्हाइल यू ड्राइव द कार वो भी उड़ जाएंगे। सो हाइड्रोफोबिक टेस्ट जैसे मैंने तुमको बोला था इट विल बी नाउ क्लोज टू 100%। वैसे ये पीपीएफ में ऑलरेडी 60-70% हाइड्रोफोबिक रहता है एंड मैंने बताया था कि इसके ऊपर सेरेमिक कर देने से ये 100% हो जाता है। तो एज यू कैन सी सो गाइज सेल्फ हीलिंग टेस्ट लेट्स गो। आप देख सकते हो स्क्रैचेस आ रहा है। ओके अब हीट अप्लाई करते हैं। देख सकते हो वो चले जा रहा है। साबिर एक क्लॉथ देख सकते हैं, कोई जितना भी जो भी स्क्रैचेस से चले गए, ये छोटे छोटे आप जो बबल्स देख रहे हैं ये जो है ये अपने आप चले जाएंगे। ये बबल्स रह गए हैं बट ये अपने आप हील हो जाएंगे, जैसे धूप में रखेंगे ये अपने आप हील हो जाएंगे। दो चार दिन के अंदर अंदर ये अपने आप हील हो जाते हैं। अभिषेक समझ में आया कैसा लगा सेल्फ हीलिंग? बहुत अच्छा है।